तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मसालेदार ढोकला। और अच्छी क्वालिटी का बेसन लेंगे इसके लिए हम। ज़्यादातर आप पैकेट वाला ही बेसन यूज़ करें, वो अच्छा होता है। तो जितना बनाना उतना बेसन ले चुकी हूँ। अब इसमें सारे मसाले जो डिब्बे में हमारे पास रेगुलर यूज़ के रहते हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और एक किचन किंग मसाला था वो भी 1 चम्मच ली थी, और नमक स्वाद अनुसार, सबको लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। पहले से सूखे वाले में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं अब इसमें डाल रही हूँ दही। गाढ़ी गाढ़ी दही है, मैं इसको फेंट ली थी अच्छी तरह से, और 2-3 दिन पुरानी दही है तो हल्की खट्टी है, तो ढोकला के लिए खट्टा दही अच्छा लगता है। तो मिक्स करके उसको 20-25 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दी थी, और उसके बाद ये तैयार कर रहे हैं हम उसके लिए स्टीम। तो इस टाइप से कढ़ाई या कुछ भी पतीला वगैरह में आप सेट कर सकते हैं। और अब उसके बाद इसमें 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, और जिसमें हम ढोकला तैयार करेंगे उस पर भी 1 चम्मच तेल लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, और सबसे लास्ट में 1 पैकेट इनो। तो इनो डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालें, और सबको अच्छी तरह से फिर से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा ढोकले का बैटर रेडी है। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो स्टीम 25 से 30 मिनट के अंदर आराम से हो जाता है। इस टाइप से रख दें और ऊपर से ढक्कन कवर कर दें, हमारा ढोकला स्टीम में ही पकेगा, और ऑलमोस्ट ये हो ही गया है। बीच में एक बार आप चेक कर लेना। तो ये दूसरी बार मैं चेक कर रही हूँ, तो देखो ऐसे क्लीन सा चाकू निकला, मतलब ये रेडी है। और अब इसको अच्छी तरह से पलट लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हुआ है हमारा ये ढोकला। इसको दोनों साइड से मैं दिखा दे रही हूँ, देखो ये ऊपर वाला साइड है और ये नीचे वाला साइड है, बहुत अच्छी तरह से निकला है। अब इसको पीस पीस मैं कट कर ली हूँ स्क्वायर साइज में चाकू से, और इसका तड़का अब रेडी करेंगे। तो तड़का के लिए करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं, काला सरसों से अच्छा टेस्ट आता है। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं मिर्ची नहीं डाल रही, बस करी पत्ता और सरसों का तड़का लगाई हूँ, और ये तड़के को अच्छी तरह से फैला लूँगी। और इसके बाद ना मैंने इसमें चीनी का सीरा भी बनाकर डाला है, बच्चों को थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है ढोकले का, तो बाद में मैंने इसमें चीनी का सीरा भी डाली थी एक साइड से। तो बहुत ही टेस्टी बना था ये ढोकला, आप ट्राई करें, बहुत इजी टाइप से मैं बताई हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि 50% लोग मेरे रेसिपी को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, बहुत इजी टाइप का होता है। तो प्लीज़ ट्राई करें, अच्छा लगे तो कमेंट कर।